नमस्कार, साधना न्यूज के खास कार्यक्रम क्रॉस फायर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामेश्वर निखरा जी से। नमस्कार तिवारी जी। चुनाव की वेला शुरू हो चुकी है, आपकी पार्टी की क्या तैयारियां हैं? हमारी पार्टी जो चुनाव में एक राजनीतिक दल जिस ढंग की तैयारी करता है, उस ढंग की सारी तैयारियां हमारी चल रही हैं और धीरे धीरे करके फिनिशिंग की ओर जा रही हैं। जैसे हमारी पार्टी के अंदर उम्मीदवारों का चयन का मामला है, वो सर्वाधिक कठिन होता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। उसकी प्रोसेस शुरू हो गई है, पर ये जो प्रोसेस शुरू हुई है उसी के साथ विवाद भी शुरू हो गए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जैसे चुनाव प्रचार अभियान की अगर हम बात कर लें, तो पहले ये कहा जा रहा था कि चुनाव प्रचार अभियान की जो जिम्मेदारी है वो किसी एक व्यक्ति को दी जाएगी, यानी सिंधिया जी को दी जाएगी। आज भी एक ही व्यक्ति को दी गई है, परंतु उसमें पांच समितियां बना दी गई। नहीं, पांच समितियां इसलिए बना दी गई, उनके क्या है कि एक आदमी जो चुनाव प्रचार करने निकला है वो चुनाव मैनेजमेंट की बात नहीं कर सकते, सोच सकता है, तो उसके लिए एक अलग व्यवस्था बना दी गई है। जितनी भी समितियां बनाई गई हैं वो इसके चुनाव अभियान को गति देने के लिए बनाई गई हैं। इसमें कौन सी गति है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश पचौरी जी को चयन समिति में ही नहीं रखा आपने? ना, सुरेश पचौरी जी की हैसियत जो है ना, चयन समिति के सदस्य रखने से और नहीं रखने से नहीं है। सुरेश पचौरी की अपनी हैसियत है, वो पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, साथ साथ नेशनल कमेटीज की कई कमेटियों में हैं, तो उनकी व्यस्तता के कारण उनको उसमें नहीं रखा गया है। ये व्यस्तता मान लें या गुटबाजी मान लें? ना, गुटबाजी का प्रश्न ही नहीं है आज की तारीख में। आज की तारीख में हमारी नेता है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सारे लोग जो है उनको नेता मान करके चल रहे हैं, सारे लोग उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। बाकी ऐसा तो नहीं कि इग्नोर हो रहे हो या इस वजह से वो आपकी हाल ही में जो घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई उसमें आई? उस दिन आप मालूम कर लीजिए, वो उस दिन घोषणा पत्र समिति की बैठक के दिन हॉस्पिटलाइज थे या नहीं थे, उसके दो दिन पहले थे, उसके दो दिन बाद तक रहे। पर कहा यह भी जा रहा है कि जिस दिन से ये समितियों की घोषणा हुई है उस दिन से कुछ नेताओं ने किनारा कर दिया? ना, ऐसा कुछ नहीं। सारे वर्कर सब लोग एक साथ हैं, कहीं से कोई गुटबंदी की बात आज की तारीख में नहीं बची है। थोड़ा बहुत जो होता है कि सब लोग कोई तिवारी जी को पसंद करता है, कोई निखरा जी को पसंद करता है, कोई निर्मल सिंह को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है, तो ये बात हो सकती है। पर इसकी वजह से कांग्रेस को कोई नुकसान पहुंचेगा ऐसा नहीं है। जब सिंधिया जी यहाँ कॉन्फ्रेंस ले रहे थे उस समय दिग्विजय सिंह जी आए पर उनके लिए दरवाजे ही नहीं खोले गए। नहीं, सवाल इस बात का है कि सिंधिया जी जिस दिन आए थे उस दिन कितनी भीड़ हमारे दफ्तर में आ गई थी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तीन तीन बार सिंधिया जी ने उस भीड़ को खुद हटाया, दूसरे लोगों ने हटाया, पर चूंकि उत्साह था नौजवानों में, वो हटने को तैयार नहीं था, इस कारण से दरवाजे बंद कर दिए गए थे। वो दरवाजे बंद किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के 15 मिनट बाद में। उस समय इस बीच में दिग्विजय सिंह जी आए, वो दरवाजे नहीं खुले, किसी ने समझ में नहीं आया कि दिग्विजय सिंह आए हैं या कौन आया है, लोग समझ रहे हैं कि दूसरे लोग खटखटा रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह जी फिर ऊपर जाकर के बैठ गए थे, उनको जरा सा काम था, चूंकि उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको पहले से भी नहीं आना था, उस दिन की मीटिंग में उनको नहीं आना था, उनके लिए दूसरी जिम्मेदारी दी गई है, इस कारण से वो अपनी दूसरी जिम्मेदारी के लिए चले गए वापस। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिंधिया जी के आने से या किसी के आने से कोई असर पड़ रहा है कि दिग्विजय सिंह नहीं आएंगे। दिग्विजय सिंह को अगर नहीं आना होता तो उधर भी नहीं आते। पर ये बात कहाँ तक सच है कि जब वो इस बैठक में नहीं शामिल हुए या इस पीसी में शामिल नहीं हुए, तो उसके बाद जो प्रचार अभियान समिति जो आपकी है, जो मैनेजमेंट कमेटी है, वो गोविंद गोयल के यहाँ एक बैठक होती है, उसमें प्रेमचंद गुड्डू रहते हैं, उसमें दिग्विजय जी रहते हैं, पर सिंधिया जी नहीं रहते। वही मैं कह रहा हूँ, सारे लोगों को अलग अलग काम सौंपा है। एक कमेटी अपने सुरेश पचौरी की अध्यक्षता में, एक आरोप पत्र समिति राहुल सिंह की अध्यक्षता में है, एक प्रेमचंद गुड्डू की अध्यक्षता में है, एक अरुण यादव की अध्यक्षता में है, तो इनकी मीटिंग जितनी होती है जहाँ जहाँ जिसकी आवश्यकता होती है उसको बुला लिया जाता है। पर गुटबाजी है, पर सलीके से नहीं। गुटबाजी तो हम नहीं कह सकते, पूरी तरह से मना नहीं कर सकते आपसे हम, पर कहीं ना कहीं ये आज की तारीख में बहुत ख़त्म हो चुकी है। सारे नेता एक दूसरे के साथ में बातचीत कर रहे हैं, सारे नेता एक दूसरे के साथ में बैठ रहे हैं, सारे नेता एक दूसरे के पास जा रहे हैं, इसलिए आज की तारीख में गुटबाजी का उतना असर नहीं है।
दिग्विजय सिंह जी को कोई बड़ी जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई? दिग्विजय सिंह को AICC जनरल सेक्रेटरी से बड़ी जिम्मेदारी और क्या है? और दिग्विजय सिंह सेल्फ जिम्मेदारी बहुत लेते हैं। पर अभी आजकल जो उनका व्यवहार है कि जो भी ठेकेदार थी उनके यहाँ जा रहे हैं दिल्ली में, उनको सबको भगा भगा दे रहे हैं, मैं किसी को नेचुरली। आज की तारीख में राहुल गांधी ने सारे लोगों से बोल दिया है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है, अगर आप कह रहे हैं कि ये जीतने वाला है तो उसके लिए लिख के दे दीजिए जीतेगा, इसमें आपको नंबर बढ़ेंगे या आपके नंबर घटेंगे। तो कोई नहीं चाहता कि राहुल गांधी या कांग्रेस के अंदर उसका कद घटे, हर आदमी चाहता उसका कद बढ़े। तो इसलिए सब लोग जो अभी मैं गए दिल्ली में, इतना बड़ा मेला लगा, किसी न किसी की जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली है। और अभी प्रोसेस चल रही है, प्रोसेस में जब मौका आएगा तब सब अपने अपने सुझाव देंगे। आपको नहीं लगता कि ये जो जिसको कहें कि अपने आप को अलग कर लेना किसी काम से, ये भी एक तरीके का सेबोटाज नहीं हो जाएगा पार्टी के साथ? नहीं 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 नहीं, नहीं। किसी अगर 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 उनको अलग कर लेना होता तो नहीं, सभी नेताओं की बात कर, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सबका नहीं है, सब लोग बैठ करके एक काम नहीं कर सकते। नहीं, टिकट वितरण में जब कोई जिम्मेदारी लेगा ही नहीं कि साहब इसको मैं जिता सकता हूँ, क्योंकि उसको ये खतरा रहेगा कि कहीं हार गया तो फिर उसके ही नंबर कम होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, इसकी पूरी प्रोसेस बना दी गई है कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने बंद लिफाफे में, सील लिफाफे में अपने रिकमेंडेशन भेजे हैं, जिला कांग्रेस कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन भेजे हैं, प्रदेश के जो हमारे प्रभारी इंचार्ज थे जिलों के, उन लोगों ने अपने सील बंद लिफाफे भेजे हैं। ये सारे सील बंद लिफाफे डायरेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी के पास में पहुंच गए हैं। इसी प्रकार जो AICC ने 15 लोकसभा में 15-30 दो हर लोकसभा के लिए एक पर्यवेक्षक भेजा था, वो भी 1.5 महीने रह करके सर्वे करके अपनी रिपोर्ट लेकर के वह भी सील बंद करके मिस्त्री जी को दे दी है। अब इतनी सारी रिपोर्ट्स वहाँ पर पहुँच गई हैं। इसके बाद जो प्रदेश चुनाव समिति है, इसमें जो नाम आएंगे उसको भेजा जाएगा, फिर उनको ब्लॉक को, जिला को, पर्यवेक्षक को और प्रदेश प्रभारी की रिपोर्ट के साथ में इस सब को मिलाया जाएगा और मिला करके देखा जाएगा कि कॉमन नेम किसके अंदर हैं। अगर उसमें से बहुत से नाम कॉमन निकलते हैं तो उनको सही उम्मीदवार मान लिया जाएगा, जिसका ब्लॉक ने भी दिया है, जिला में भी दिया है, प्रदेश ने भी दिया है और AICC के पर्यवेक्षक ने भी दिया है। पिछले दिनों जो मीटिंग हुई दिल्ली में, उसमें दिग्विजय सिंह जी ने ये कह के विरोध किया कि साहब ये जो लिफाफे आने थे ब्लॉक से, मंडल स्तर से या जिले से, वो तो आए नहीं। कि मीडिया ने अपनी मर्जी से कुछ भी बना लिया है, दिग्विजय सिंह ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। वो मीटिंग व्यवस्थित हुई, उस मीटिंग के पहले भी जो एक मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग में निर्णय क्यों नहीं हो पाया? एक दिन में तो नहीं होगा निर्णय, अभी तो कई मीटिंग चलेगी, अभी तो कई मीटिंग। आप क्या समझते हैं, 230 विधानसभा क्षेत्रों में 22 लोग अपनी अपनी राय देंगे, फिर किसकी राय मजबूत है, उनके 3 नाम लिखे जाएंगे मजबूत उम्मीदवारों के, 3-3 के पैनल बनेंगे और उसके बाद ये पैनल फिर स्क्रीनिंग कमेटी में जाएंगे। तो उस ढंग से ये प्रोसेस बहुत थोड़ा सा लेंदी भी है और सही समय पे इसको पूरा करना भी है। ये भी कह रहे हैं कि आपके यहाँ अल्पसंख्यक वर्ग के जो नेता हैं वो आपस में, उनमें बड़ी सिर फुटावल की स्थिति है, हर आदमी कह रहा है कि साहब कांग्रेस में उसको महत्व नहीं मिल रहा है। क्या है असल में, जो कांग्रेस को समझता है वो आदमी जानता है कि कांग्रेस हमको जितना महत्व दे रही है, बहुत दे रही है। कई बार हमारी महत्वाकांक्षाएं जो है, जिसको हम महत्वाकांक्षा से बढ़ करके एक शब्द आजकल नया चला है, बहुत पुराना भी हो गया, ईगो, उसको मान लेते हैं कि प्रकाश तिवारी की जगह रामेश्वर निखरा को होना चाहिए था, ये प्रकाश तिवारी कहाँ बैठा है। तो ये प्रकाश तिवारी की गलती नहीं है, उस पार्टी की गलती नहीं है, ये रामेश्वर निखरा की गलती मानी जाएगी। तो इस ढंग से कुछ महत्वाकांक्षाओं की वजह से कुछ आपस के टकराव भी हैं, पर वो टकराव भी होते हैं फिर धीरे से रिजाल्व हो जाते हैं, उनमें उसमें सम्मति बन जाती है। असलम शेर खान और गुफरान आजम की ये जो अभी ताज़ा तरीन बयान आए हैं, असलम भाई ये कह रहे हैं कि साहब 6 नेता मिलके क्या कांग्रेस को जिता लेंगे, और दूसरी तरफ गुफरान भाई कह रहे हैं कि इनकी औकात जो है स्कूटर पीछे बैठने की नहीं है, ये क्या है? मैंने असलम भाई के पास बैठा, मैं 2 घंटे तक, 2.5 घंटे तक उनसे बातचीत हुई, तो उनने कहा कि यार निखरा जी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमको लग रहा था कि हमारी कम, हमारी महत्व नहीं दिख रही है, हमारा काम नहीं दिख रहा है। तो उस उधेड़ भर में कोई आ गया और मैंने उससे ये चर्चा कर दी। बाकी मैं आप देख रहे हैं
कि पिछले 3-4 महीने से जब से ये अभियान चला है तब से असलम भाई सागर की मीटिंग में गए, असलम भाई बालाघाट मीटिंग में गए, असलम भाई मंडला की मीटिंग में गए, अभी आज असलम भाई की मीटिंग चल रही है वहाँ पर ग्वालियर में चल रही है, उसके पहले वो सिवनी में, जबलपुर में, कुरवाई में, सब जगह वो घूमते फिर रहे हैं, काम करने के लिए रहे हैं। बोले मैं खुद चाहता हूँ कांग्रेस की हुकूमत बने, पर मैं ये चाहता हूँ कि और ज़्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। तो वो बात उनकी वहाँ पर जा करके वो 30 सीटें मांग रहे हैं कि 30 सीटें अल्पसंख्यकों को। उन्होंने ये नहीं कहा कि 30 सीटें मांग रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि 30 सीटें ऐसी हैं जो जिनको मुस्लिम मतदाता प्रभावित करते हैं, जहाँ 14% है, 15% है, 17% है, 30% है, 37% भी एक जगह है, और एक जगह 42% भी है। तो नेचुरली इन सब बातों को आज की तारीख में राहुल गांधी पर्सनली देख रहे हैं। जब उनसे ये बात कही गई, राहुल गांधी खुद इन सब बातों को देख रहे हैं, जहाँ आप प्रभावित करते हैं वहाँ आपको लड़ाया जाएगा, जहाँ आप जीत सकते हैं वहाँ उनको लड़ाया जाएगा। गुफरान भाई ने कहा कि 30, असलम भाई ने कभी ये नहीं कहा कि हमको 30 सीटें चाहिए, असलम भाई ने कभी ये नहीं कहा हमको 22 सीटें चाहिए, असलम भाई ने ये कभी नहीं कहा हमको 26 सीटें चाहिए। ये कहने वाले दूसरे लोग रहे, उनके लिए गुफरान भाई ने कहा। मीडिया में तो उनका बयान आया है, क्या खुद साधना न्यूज चैनल पे उन्होंने कहा है कि साहब कम से कम 30 सीटें तो मिलना चाहिए। नहीं, ये नहीं कहा 30 सीटों पे असर करती है, जो मुझसे कहा मेरी बात में नहीं, पर यहाँ तो मीडिया के सामने सब पे उनका नहीं, ऐसा नहीं है, मुझसे बोला हुआ वाकई कोई झूठ तो नहीं हो सकता। उन्होंने ये कहा है कि 30 सीटों पे असर है, तो उसमें जो भी जीतने वाला हो वो देंगे। गुफरान मियाँ का ये कहना है कि जिसको मेजॉरिटी लाइक करे उसको दिया जाए, और मेजॉरिटी को भी अगर टिकट देना है तो जिसको माइनॉरिटी लाइक करे उसको टिकट दिया जाए, ये सामंजस्य बनने चाहिए। इतनी सी बात है, मीडिया उसको तोड़ मरोड़ के गुफरान ने असलम के खिलाफ बोल दिया, ना असलम गुफरान के खिलाफ बोले हैं, ना गुफरान असलम के खिलाफ बोले हैं, किसी भी प्रकार से ऐसी कोई बात नहीं है। आप एक अच्छे वकील भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपने जो खामियां हैं या अपना कमजोर पक्ष है उसको दबा देते हैं, या ये बात भी उठती है कि कांग्रेस के पास ऐसे क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर वो इस चुनाव में जाने वाले। कांग्रेस के पास इतने सारे मुद्दे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा इस प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार का मुद्दा है। 10 बनाम 56 साल या 55 साल वो बता रहे हैं, सब बेकार की बात है। जो कुछ भी पहले 10 साल पहले था, आज भी गांव 10 साल के बाद में वही स्थिति है। इनको इनाम इस बात के लिए मिला था कि आप बिजली पानी सड़क की व्यवस्था कर देंगे, वो आज जस की तस स्थिति है। अपने मोह मियां मिट्ठू बन करके अगर कोई कुछ भी कहता रहे तो उसकी बात नहीं मानी जाती है। बीजेपी का ये महाकुंभ जो होने जा रहा है इसको किस तरीके से देख, जहां तक आंकड़ों की बात करें तो इनके गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया है इस विधानसभा के अंदर बताया है कि 1 नवंबर 12 से 15 जून मतलब 225 दिन में कुल हाथपत्थियां कितनी हुई है, 225 दिन में 5038, और महिलाएं कितनी जलाई गई हैं, 122। आप ये भी देख लीजिए जो बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, वो बलात्कार की घटनाएं जनवरी 2012 से 15 जून 13 तक की अवधि में गृह मंत्री के अनुसार 5241 नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार, 3000, और प्रतिदिन का औसत लगा दीजिए तो 5.5 बच्चियों के साथ नाबालिग बच्चियों का हुआ है, और प्रतिदिन बलात्कार का औसत लगा लीजिए तो करीब 10 बलात्कार प्रतिदिन हुए हैं। ऐसी स्थिति में जिस पार्टी ने लाइन आर्डर की तरफ ध्यान नहीं दिया, केंद्र में आपकी सरकारें कभी एक्शन क्यों नहीं लिया, एक्शन क्या लेती आप देखिए, जब आप मुझे वकील कह रहे हैं, अच्छा वकील कह रहे हैं, तो ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, केंद्र की सरकार में ये आंतरिक सुरक्षा का मामला जो होता है, आयोग वगैरह भेज के, तो आंतरिक सुरक्षा का जो मामला होता है वो राज्य सरकार का होता है, तो इसलिए ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि इन सब चीजों को सुधारे। पर आपको नहीं लगता कि केंद्र के जो आयोग हैं, तमाम महिला आयोग, बाल आयोग, इनको तो भेजा जा सकता है, ये रिकमेंडेशन देते हैं चले जाते हैं, उस पर एक्शन नहीं करना है। आप मुझे बताइए, सुधीर शर्मा सूरवंशी के यहाँ इतने इतने बड़े छापे पड़े, क्या किया इस सरकार ने, आयकर विभाग ने छापे डाले, अब सीबीआई कर रही है, सीबीआई में केस रजिस्टर हो रहे हैं, तो इससे अंदाज लगा सकते हैं क्यों, जिनके यहाँ 300 करोड़ रुपए पकड़ा है बिस्तर के अंदर जोशी दंपत्ति के यहाँ, क्या उनके खिलाफ इस विभाग, इस राज्य सरकार ने कार्रवाई की।
बर्खास्तगी के लिए लेटर भेजे हुए एक अरे साल हो एक गया, बात मुझे सुन लीजिए आज तक डीओपीटी ने उसमें परमिशन नहीं ना, दिया। केंद्र का मामला ना, है, ना, ना, केंद्र संघ लोक सेवा आयोग अरे का इनके मामला है। खिलाफ में आय से अधिक संपत्ति का मामला तो दायर कर सकते थे ये, वो क्यों नहीं किया? बीजेपी के महाकुंभ को क्या कहेंगे आप? बीजेपी के महाकुंभ को भ्रष्टाचार का, जनबल का, धन बल का खुला प्रदर्शन। अगर कांग्रेस की बात करें तो टिकटार्थी आपके यहाँ पूरे दिल्ली में जमा है, जबकि राहुल जी ने या दिग्विजय जी ने या सिंधिया जी ने सबने ये मना किया था कि कोई भी दिल्ली नहीं आएगा। देखिए हमारे यहाँ का ट्रेडिशन था पहले कि दिल्ली से ही टिकट मिलता था और लोग सोचते थे कि दिल्ली में गणेश परिक्रमा कर लेंगे और हमको पद भी मिल जाएगा, और कुछ लोगों को ऐसा हुआ भी, उस गणेश परिक्रमा का पुराने दिनों में फायदा मिला। पर राहुल जी के बाद में आने के बाद में ये प्रोसेस मैंने जो बनवाई आपको ब्लॉक से लेकर प्रदेश तक और AICC तक, इस प्रोसेस की वजह से अब वो संभव नहीं है। जो क्षेत्र में काम कर रहा होगा उसी के संबंध में रिपोर्ट दी गई होगी। राहुल जी ने कहा था कि हम ब्लॉक के और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष से पूछेंगे, तो आज उसकी रिपोर्ट कितनी महत्वपूर्ण हो गई कि सारे लोग ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के पास में जाने लगे, जो कभी नहीं गए थे, उनको कोई अहमियत नहीं देते थे, उनको अहमियत देने लगे हैं। तो ये अब वो स्थिति नहीं है कि पड़े हैं। फिर जो लोग थे वो निराश होकर के लौट के आ गए, फिर जिस लीडरशिप से वो लोग मिलने गए थे उनकी सारी लीडरशिप अभी 50 मीटिंग में पूरे प्रदेश में घूम रही है। यहाँ पर कल परसों विदिशा में है, फिर टीकमगढ़ में है, फिर होशंगाबाद में है, फिर सतना में है, फिर रीवा में है, ये सारी की सारी लीडरशिप इन सब जगह जा रही है। तो जिनसे मिलने वो लोग जा रहे थे वो सारे लीडरशिप उनके घर आ रही है, उनके जिले में आ रही है, इसलिए सारे लोग दिल्ली से लौट करके आ गए। सिंधिया जी ने PCC में एक वॉर रूम के लिए जगह मांगी है। हाँ, दे दी गई है। कि कब तक शुरू हो जाएगा वॉर रूम? वॉर रूम से मतलब अभी मेरी वो नहीं आई बात, उनसे नहीं हो पाई है, पर उनके दो स्टाफ आया हुआ है जो कैंपेन कमेटी का स्टाफ है, उसको बैठने के लिए हमने कल जगह दे दी, कल ही मेरे पास आए थे वो। कितने वॉर रूम बनेंगे? बनते रहेंगे यार, चुनाव का समय, वो तो हर विधानसभा क्षेत्र में एक वार रूम बनता है चुनाव लड़ने वाले का, हर जिले के अंदर चुनाव लड़ाने वालों का वार रूम बनता है। जनता को आश्वस्त करा सकते हैं कि आपस में वार नहीं होगा? जनता पूरी तरह से इस बार देखेगी कि इनमें आपस में वार नहीं है, इसकी मुझे पूरा विश्वास है, पूरी कल्पना है। अभी राहुल जी ने एक नारा दिया था पहले कि दो चार रोटी खाएंगे कांग्रेस को लाएंगे, फिर उन्होंने कहा आप भरपेट खाएंगे और कांग्रेस को लाएंगे, ये जो इसके पीछे क्या निहितार्थ है? देखिए पहले नारा था इंदिरा गांधी के जमाने, आधी रोटी खाएंगे इंदिरा जी को लाएंगे, वो जमाना था। आज जब केंद्र सरकार ने देश के 80 करोड़ लोगों के लिए फूड गारंटी दी है, अच्छा एक अच्छी बात आपने याद दिलाई कि इस UPA सरकार ने जितना काम किया है योजना और नीति बना करके नहीं, कि योजना है हमारी, हमारी नीति है ना, ये हमारा कानून है, और उस कानून का मतलब है कि सामने वाले को अधिकार मिल गया, चाहे वो सूचना का अधिकार हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी बिल हो, चाहे भूमि अधिग्रहण का मामला हो, चाहे वो कोई भी मामला हो, तो उसमें वो अधिकार मिल गया, चाहे वो वनाधिकार का मामला हो, वो अधिकार उसके पास है, कोई उस पर रहम नहीं कर रहा है, कोई उस पर दया नहीं कर रहा है, दान नहीं कर रहा है, कोई एहसान नहीं कर रहा है, ये उसका अधिकार है। तो जब भरपेट खाना मिल गया तो क्या कहेंगे? कि भरपेट खाना खाएंगे, कांग्रेस को लाएंगे। पर यहाँ जयराम रमेश जी अभी पिछले दिनों आए तो उन्होंने कहा कि RTI जो है आपका सूचना का अधिकार कानून, वो UPA के लिए गले का फंदा बन, जो चीज UPA सरकार के लिए खुद गले का फंदा बन जाए, इसके बाद भी जनता के हित में उसको स्वीकार किया गया, ये कहा उन्होंने, मैं उस मीटिंग में था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, ये उन्होंने कहा कि भले ही वो हमारे आज गले का फंदा बन रही है, पर इसके बावजूद भी हमने उसको लागू कराया है, लागू किए हुए है, लागू कराते जाएंगे। कसक है, टीस है, या फिर एहसान है? कसक नहीं है, ना टीस है, ना एहसान है। एक जो प्रश्नों का उत्तर जिनको पढ़ के मैंने आपको दिखलाया अभी कि कितने बलात्कार हुए एक साल के अंदर और एक साल से कम समय के अंदर, ये सारे प्रश्नों के उत्तर किसको मिलते थे? विधायक को। ये सारे प्रश्नों के उत्तर किसको मिलते थे? केवल सांसद को। आज विधायक और सांसद का अधिकार आम आदमी को कानून बना करके दे दिया कि आप भी पूछ सकते हैं क्या ये उत्तरों को,
उनको देना पड़ेगा। तो ये कसाक टीस या वो नहीं है, ये कांग्रेस की इच्छा शक्ति है, कांग्रेस का विल पावर है, सोनिया गांधी का सोच है, राहुल गांधी की इच्छा है कि उन्होंने अपने को भले नुकसान हो जाए पर आम आदमी के लिए ये कानून बने। कांग्रेस ने ये पहली बार नहीं किया है। आपको याद होगा जब पंजाब जल रहा था, लौंगोवाल समझौता हुआ था, बादल को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था। आपको याद होगा कि जब कश्मीर के अंदर प्रॉब्लम थी, उस जमाने में मीर कासिम कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर था, उनको हटा करके शेख अब्दुल्ला को बना दिया था। आप याद करिए, कांग्रेस अपने आप को खत्म करके देश को बचाती है। इसी प्रकार से नागालैंड में लाल डेंगा को चीफ मिनिस्टर बना दिया था, अपने चीफ मिनिस्टर हटा करके, उनको एक दिशा में जोड़ने के लिए। तो कांग्रेस हमेशा तैयार रहती है खुद के अस्तित्व को मिटा करके इस देश के अस्तित्व को बचाने का, इस देश के अस्तित्व को बनाने के लिए। पर अभी बात उठी कि रक्षा मंत्री एंटनी जी ने जिस तरीके का काम किया कि पाकिस्तान ने हमले किए और उन्होंने कहा साहब ये तो आतंकवादी हमले। देखो एक बात बताएं आपसे, जो रक्षा मंत्री जी हैं वो इस देश के सर्वाधिक 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 मेहनती आदमी, ईमानदार आदमी, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आती है, रक्षा मंत्री की इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है, जो सेना के लोग भेजते हैं, सेना की LIB भेजती है, सेना की CID भेजती है, पहले उनके पास में वो इन्फॉर्मेशन आई, फिर चार दिन बाद उनके पास, फिर दो दिन बाद फिर इन्फॉर्मेशन आई तो कि नहीं ये सैन्य हमला था। तो उन्होंने पहले वाय कहा जो पहले इन्फॉर्मेशन आई थी, फिर उन्होंने अपने संशोधन किया और फिर कहा कि नहीं ये सैनिक हमला था। आज अगर हम ऐसा कहेंगे, रक्षा मंत्री के बयान को अगर बहुत ज़्यादा तूल देंगे तो हमारी सेना की वर्किंग पर टिप्पणी हो जाएगी। कांग्रेस की ये सज्जनता का पड़ोसी जो मुल्क हैं जो बदमाश किस्म की हरकतें कर रहे हैं वो लाभ उठा रहे हैं। कांग्रेस की सज्जनता का क्यों कह रहे हैं यार, कांग्रेस के ज़माने में किसी भी मुल्क ने ये हिम्मत नहीं करी है। आपको याद होगा कांग्रेस का ही इंदिरा गांधी थी, दो दो जवानों के सिर काटने वाली थी, जिसने इतिहास के साथ साथ भूगोल भी बदल दिया जो विश्व में कोई नहीं बदल पाया, कि एक टुकड़े के दो टुकड़े पाकिस्तान के कर दिए, कि भूटान को इस देश के अंदर मिला लिया, ये इंदिरा गांधी थी। ये कांग्रेस ने ये काम किए हैं। कांग्रेस से देश बनने के बाद में ये नहीं हुआ कि इसका कोई हिस्सा अलग हो जाए। इंदिरा गांधी को अपनी जान देनी पड़ी, पंजाब अलग नहीं हो पाया। राजीव गांधी को कुर्बानी देनी पड़ी, बम में छोड़ा दिया गया, पर तमिलनाडु को उसके तमिल को नहीं बनने दिया। तो ये कांग्रेस तो कुर्बानियां देकर के देश को बचाती है भाई। तो राहुल जी कब तक बनेंगे PM, आपको क्या लगता है उनकी घोषणा क्यों नहीं हो पा रही? मुझे अभी पिछले दिनों एक अखबार में, शायद पत्रिका में, बड़ा अच्छा एडिटोरियल आया था भुवनेश जैन जी का। उस एडिटोरियल में उन्होंने कहा था आखिर लोग संविधान में लिखी हुई बात को का इंतजार क्यों नहीं कर सकते। संविधान में लिखा हुआ है दल का नेता कौन होगा, संविधान में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट का चुनाव कैसे होगा, विधानसभा का चुनाव कैसे होगा, जब विधायक दल का नेता होगा जो सबसे बड़े दल का नेता होगा वो सदन का नेता होगा, उधर संसद के अंदर जो सबसे बड़े दल का नेता होगा वो संसद का नेता होगा, और उसको फिर राष्ट्रपति को वो दल लिख करके देगा, राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा कि हम प्रधानमंत्री करते हैं। अब हम अपनी मर्जी से PM इन वेटिंग बन जाएं, जैसे अडवाणी बन गए थे, जैसे आज ये बन गए, इनको न संविधान की चिंता है न किसी प्रकार की चिंता है। अगर राहुल गांधी को संविधान की चिंता है, कांग्रेस को है, तो भैया कम से कम उसको तो कम से कम सही तरीके से चलने दो। मोदी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में भाई? हमारी दृष्टि में और जो पूरे पिक्चर हमने गुजरात के यहाँ जाकर के देखे हैं, जिस ढंग से कत्लेआम कराया गया है 2002 में, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यूपी में अभी दंगे हुए, इनको किस तरीके से देख रहे हैं? यूपी में दंगे हुए, ये अब इस देश में इतना बड़ा काकस बन गया है, इतना बड़ा साजिशों से काम होने लगा है कि लोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ये दंगे कराते हैं। कांग्रेस के टिकट वितरण कब तक हो जाएंगे? मैं समझता हूँ 15 अक्टूबर तक हो जाने चाहिए। तो ये थे रामेश्वर नीकरा जी, अगली बार क्रॉस फायर में किसी नई शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।